तमाम दिखने व सुनने वाले हमारी प्यारी प्यारी दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मेरी प्यारी दोस्तों, मैं मोहम्मद रिजवान रजा कौदरी और आप सभी का आपकी अपनी इस प्यारी से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मेरी प्यारी दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी माँ बहनों, आज आपके लिए इफ्तार के हवाले से एक बहुत ही पावरफुल अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। जिंदगी में चाहे जितना भी मुश्किल से मुश्किल मसला हो, जिससे आप छुटकारा चाहते हो, मुश्किल से मुश्किल हाजत चाहते हो आपकी वो पूरी हो जाए, तो इफ्तारी के वक्त ये अमल जरूर कर लें जो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। याद रहे कि जब हम अपने अल्लाह को इंतहाई अकीदत के साथ पुकारते हैं तो अल्लाह ताला फौरन अपने बंदे की दुआ कबूल फरमाता है। आज का ये अमल रोज़ा और इफ्तारी के हवाले से है। रोज़ा खोलने से पहले आपको ये अमल कर लेना है इंशाअल्लाह। दुनिया का कोई भी काम जो नामुमकिन हो मुमकिन हो जाएगा। दुनिया का कोई भी मकसद हो आपका जो पूरा नहीं हो रहा हो, इंशाअल्लाह वो पूरा हो जाएगा। बस आपको ये अमल पूरे यकीन के साथ इफ्तार से पहले बतलाए गए तरीके से कर लेना है। यानी पूरे यकीन के साथ आपको जिस जिस तरीके से हम आपको अमल बताए उसी तरतीब उसी तरीके से सिर्फ कर लेना है। इस अमल की ताकत क्या है, इस बारे में हमारी एक बहन की कारगुजारी भी है जो आपके सामने रखी जाएगी, जिसको सुनकर आपको ये अंदाज़ा होगा कि इस अमल की तासीर क्या है, ये किन कलिमात का अमल है और इसका मुकम्मल तरीक़ा क्या है। इस बारे में तफसील से जानने के लिए आपसे इल्तमाश है कि अगर आप हजरात हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बगल में घंटे का निशान होगा, एक बेल आइकन होगा, उसे भी ऑल पर प्रेस कर दें। इससे होगा ये कि आने वाली आपकी तमाम ज़रूरतमंद वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच आती रहेंगी और आप अपनी उन ज़रूरतमंद वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियोस इस चैनल पर आती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाएँ। और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो को लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सकती है, लिहाजा इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। प्यारी दोस्तों, अगर आप इस अमल से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ये अमल आप करना चाहते हैं सही तरीके से, तो उसके लिए आपको एक काम करना होगा, वो करना होगा आपको कि ये कि वीडियो आपको पूरा आखिर तक बगैर कहीं स्किप किए देखना होगा। जी हाँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग वीडियोस को स्किप करके देखते हैं और वजीफ़ा करने का तरीक़ा ठीक से नहीं समझते, क्या पढ़ना है ये समझ लेते हैं लेकिन उसके कायदे क्या है, शरायत क्या है, इन बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, बातों को पूरी तरह से नहीं समझते, कुछ ना कुछ चीज़ें वो मिस कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनसे कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, फिर उनको उनके वजीफे में अमल में कामयाबी नहीं मिलती है, फिर वो कहते हैं कॉमेंट्स करके कि हमारा वजीफ़ा काम नहीं किया, हमने आपके सारे वजीफे किए कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ऐसे ऐसे कॉमेंट्स और मैसेजेस आते हैं। बराए मेहरबानी आप अपने लिए ही इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखा करें, इस वीडियो को भी आखिर तक देखें और जितने भी हमारे वीडियोस आते हैं सबको आखिर तक देखें ताकि वजीफे और अमल आपको अच्छे से समझ में आए। सारा तरीका कार जानना बहुत ज़रूरी है। आप कहते हैं दो मिनट की बात थी, आपने इतनी देर बताई, तो देखें वजीफ़ा आप दो मिनट में आपने जान लिया, लेकिन उसकी फजीलतें जाननी भी बहुत ज़रूरत है, ज़रूरी है आपके लिए, आपको इसका जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि जब आप जो अमल हम आपको बताते हैं उस अमल के फ़ायदे जानेंगे, उसकी फजीलत जानेंगे, उसकी ताकत के बारे में जानेंगे, तो आपका यकीन मजबूत होगा। और अगर बग़ैर यकीन के साथ आप कितना भी अमल पढ़ें, हज़ारों साल भी पढ़ें, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए इनकी फजीलतों को जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि क्या कितना पावरफुल वजीफ़ा, कितना पावरफुल अमल आप पढ़ रहे हैं। और जितने यकीन के साथ आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला उतने ही आपको उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। सो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, याद रहे कि रमज़ानुल मुबारक की हर घड़ी ही रहमत वाली होती है। इस महीने में अजर व सवाब बहुत बढ़ जाता है। नफिल का सवाब फ़र्ज के बराबर और फ़र्ज का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है।
और इस महीने में रोजेदार का सोना भी इबादत में शामिल हो जाता है। सुभान अल्लाह। अर्श उठाने वाले फरिश्ते भी रोजेदार की दुआओं पर आमीन कहते हैं। एक रिवायत है कि दरिया की मछलियां तक रोजेदार के लिए इफ्तार तक दुआए मगफिरत करती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जब रमजानुल मुबारक की पहली रात होती है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जन्नत को रोजेदारों के लिए आरास्ता कर दिया जाता है। ये दरवाजे आखिरी रात तक बंद नहीं होते। जो लोग इस रात में नमाज पढ़ते हैं तो उसके नमाज के हर सजदे पर उसको 1500 नेकियां दी जाती हैं। इसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बना दिया जाता है जिसमें 7000 दरवाजे होते हैं। और याद रहे कि रमज़ान मगफिरत का महीना है, इसमें रोज़ेदारों के गुनाह धो दिए जाते हैं, इसकी मगफिरत कर दी जाती है, रोज़ेदारों की दुआएं कबूल होती हैं। इसीलिए चाहिए कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं का इहतमाम किया जाए। और रिवायात से ये बात साबित है कि इफ्तार के वक्त की दुआएं कबूलियत के ज़्यादा करीब होती हैं, इसलिए इफ्तार के वक्त की दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। और हमारा आज का ये वजीफा भी इफ्तार के वक्त का है। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इफ्तार के वक्त आपको ये अमल कैसे करना है, ये वजीफा कैसे पढ़ना है और आपको वो कौन से दो कलिमात पढ़ने हैं। लेकिन इससे पहले आपको अपनी बहन की कारगुजारी सुनाता हूँ जो हमारे आज के इस वजीफे से जुड़ी है। ये कारगुजारी सुनकर आपको इस अमल की ताकत का अंदाज़ा हो जाएगा। इस बहन ने अपने मैसेज में हमें यूँ मुखातिब किया है। वो इस्लामी बहन कहती हैं कि इस अमल से मेरे घर में इतनी तब्दीलियां आई, मैं वो आपको बयान नहीं कर सकती। उन बहन का कहना था कि आप मेरी इस कारगुजारी को भी दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ, अपनी वीडियो में ज़रूर बताएँ ताकि लोगों का ईमान ताज़ा हो और ताकि वो भी इस अमल को लाजमी करें और मेरे नामाए आमाल में नेकियों का ख़जाना जमा हो जाए। वो बहन कहती हैं हमारे घर में जादू था, हर कोई बीमार था, बीमारियां भी ऐसी कि डॉक्टर्स भी परेशान थे, हर तरफ बेसुकूनी थी। वो कहती हैं कि 2017 में उन्हें इस अमल के बारे में पता चला, 2017 के रमज़ानुल मुबारक के महीने में। और उन बहन का कहना है कि हमारे सब घर वालों ने ये वजीफ़ा या अमल पढ़ना शुरू कर दिया। वो कहती हैं कि रमज़ान का ही महीना था, गालिबन अमल किए हुए 5 दिन ही हुए होंगे। इस अमल की बरकत से हमारे घर में बहुत सुकून और बहुत बरकत शुरू हो गई। जादू तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है जिसके बारे में कई आमिलीन ने बाकायदा बताया। हमारे घर में बीमारियां बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। जब से हमने ये अमल पढ़ना शुरू किया है उस दिन से कोई भी बीमारी जाहिर नहीं हुई। उन बहन का कहना था कि आप हमारी ये कारगुजारी दूसरे भाई बहनों तक भी ज़रूर पहुंचाएं ताकि मेरे जो दुखी बहन भाई हैं वो इस अमल को करें और अल्लाह करीम उनको दुख से निकाल दे। बहुत सारे बहन भाइयों को जादू नजरे बद की शिकायत होती है, वो जाली आमिलों के धोखे में आकर अपना ईमान ख़राब कर देते हैं। उनसे हाथ जोड़ कर ये कहती हूँ कि आप रमज़ान में इस अमल को जारी रखें, इंशाअल्लाह आप पे जो जादू किया गया होगा जड़ से ख़त्म हो जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, आपने इन बहन की कारगुजारी सुनी। चलिए आइए अब आपको भी इस अमल का तरीका तफसील से बताते हैं। इसको गौर से मुलाहिजा फरमा लीजिए। इस अमल को करने का तरीका ये है कि आपको कम अज कम यानी कम से कम इफ्तारी से 10 मिनट या 5 मिनट पहले ही
दस्तरखान पर बैठ जाना है ताकि आप इस अमल को सुकून से कर सकें और सुकून के साथ दुआ कर सकें। सबसे पहले आपको 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। जी हाँ, आप कोई भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, चाहे जो भी आपको याद हो। आप दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं, जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। दुरूद इब्राहिमी हम आपको एक बार पढ़कर भी सुना देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم بارك على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। प्यारे दोस्तों, आप दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं या कोई भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, चाहे जो भी दुरूद पाक आपको याद हो। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आप कोई भी दुरूद पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप इतना भी पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी एक छोटी दुरूद पाक है। आप इतना भी पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये भी एक दुरूद पाक है। और इसकी फजीलत है कि जो इसको पढ़ता है उसके लिए रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, सुभान अल्लाह। तो आप कोई भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, चाहे जो आपको याद हो या जो आपका दिल चाहे। दस्तरखान पर बैठकर 3 बार दुरूद पाक पढ़कर आपको सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ 1 मरतबा पढ़नी है, 1 बार पढ़ना है। हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد। एक बार सूरह इखलास पढ़ लें, कुल हु अल्लाहु अहद शरीफ, ये सूरत आपको सिर्फ 1 बार पढ़ना है। उसके बाद अल्लाह ताला का ये सिफाती नाम अल अलीम को आपको 2 बार यूं पढ़ना है, या अलीम, आपको अल्लाह को इस नाम से 2 बार पुकारना है। और फिर आपको दोबारा 1 बार सूरह इखलास पढ़नी है, यानी एक बार फिर आपको कुल हु अल्लाहु अहद ये सूरत पढ़नी है। उसके बाद आपको फिर अल्लाह ताला के सिफाती नाम अल अलीमु के साथ 2 बार पुकारना है, यूँ या अलीमु। उसके बाद आपको आखिर में भी 3 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है, चाहे जो भी दुरूद पाक आपको याद हो, जो आपने शुरू में पढ़ी थी वही दुरूद पाक 3 बार आखिर में भी पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको आपके मकसद के लिए दुआ मांगनी है, अपने हाजत के लिए दुआ करनी है, अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसे के साथ दुआ मांगें, पूरे यकीन से ये अमल करें और दुआ को दुरूद पाक से शुरू करें, अल्लाह की खूब हमदो सना बयान करें और दुआ करके आखिर में भी दुरूद पाक पढ़ लें, यानी दुरूद पाक से ही दुआ को ख़त्म करें। इस तरतीब से ये अमल करें और यकीन कामिल के साथ दुआ मांगें, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से हर मुश्किल हर परेशानी दूर होगी। जिस भी मकसद के लिए दुआ करेंगे अल्लाह के करम से वो मकसद पूरा होगा। जिस भी हाजत के लिए, जिस भी मुराद के लिए ये अमल करेंगे इंशाअल्लाह वो मुराद पूरी होगी, वो हाजत पूरी होगी। खुद भी इस अमल को लाजमी करें और अच्छी बात को फैलाना सदक़ाए जारिया है, तो वीडियो को सदक़ाए जारिया की नियत से ज़्यादा शेयर करें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। क्या पता आपके एक शेयर से ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच जाए, उसका भला हो जाए, अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बगल में बेल आइकन को, घंटे के निशान को भी ऑल पर ज़रूर प्रेस कर दें।
मैं मोहम्मद रिजवान रजा कौदरी इंशाअल्लाह ताला ऐसी ही किसी प्यारी वीडियो में फिर मिलूंगा। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाह हाफिज़।